एसडीएम राजेश डागा ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र के दुकानदार एवं व्यापारियों की बैठक ली। नगरपालिका कार्यालय में आयोजित बैठक में पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम डागा ने शहर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की तथा इनमें सुधार को लेकर व्यापारी एवं दुकानदारों से सहयोग की बात रखी। बैठक में एसडीएम डागा ने कहा कि शहर में मुख्य मार्गों की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण से शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। कई दुकानदारों ने सड़कों तक अपनी दुकानों के सामान को फैला रखा है, इससे वाहन चालक एवं राहगीरों को काफ़ी असुविधा होती है। बाहर से आने वाले लोगों की नज़र में भी शहर की छवि धूर्मिल हो रही है। ऐसे में आप सभी का भी दायित्व और जिम्मेदारी है कि शहर की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार एवं व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि दुकानों के सामने दुकानों के सामान हद से बाहर नहीं हो। उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मालव को भी शहर के मुख्य मार्गों की सड़कों पर दोनों तरफ दुकानों के सामने लाइनिंग करवाने तथा उसका उल्लंघन ना हो इसकी व्यवस्था करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार नईमुद्दीन, थानाधिकारी राजेश सोनी समेत कई व्यापारी, दुकानदार एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम डागा ने कहा कि सड़क किनारे कई दुकानदारों ने अतिक्रमण के साथ ही दुकानों के टीन शेड को भी काफ़ी बाहर तक निकाला हुआ है। उनसे समझाइश कर उन्हें हटवाया जाए। शहर में सड़कों के साथ ही नगरपालिका कार्यालय के आसपास अव्यवस्थित तरीके से खड़े फल फूड व अन्य ठेलों को भी व्यवस्थित करें ताकि अव्यवस्था ना हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर भी एसडीएम ने समझाइश की। बैठक में दुकानदारों ने शहर में सोरों के आतंकी समस्या भी एसडीएम को बताई। एसडीएम ने इनके पालकों की पहचान कर उन्हें पाबंद करवाने तथा रियायती बस्तियों में दुकानों पर मांस की खुलेआम बिक्री की समस्या पर एसडीएम ने मांस दुकानदारों को ढककर व्यवसाय करने को लेकर पाबंद करवाने के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने स्वतः अतिक्रमण हटाने को लेकर सार्वजनिक मुनादी के भी निर्देश दिए हैं। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।